तो गाइस कैसे हो सब लोग। तो वैसे आ गए एक और हमारी नई बैटल रॉयल गेम लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारी बैटल रॉयल गेम जिसका नाम है बैटल रॉयल 3D वॉरियर 63। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा गेम है वो स्टार्ट हो गया और इसकी जो साइज़ है गाइस वो अंडर 100 MB है और एकदम ही सही ग्राफिक है इसके, मतलब 3D ग्राफिक है। तो खेलने में बहुत मज़ा आ जाता है और थोड़ा थोड़ा पबजी की कॉपी भी आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि उसी की तरह बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है और साइज़ के हिसाब से इसके ग्राफिक भी एकदम ही सही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अभी लॉग इन कर लेता हूँ। तब तक यार जो भी बंदे आना नहीं आया और अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ऐसे नए नए बैटल रॉयल गेम के वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अभी पहले तो मेरा नाम डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई जल्दी से यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा हमारी मेन जो लॉबी होती है उसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए मेन लॉबी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग हमें जो कैरेक्टर है यहाँ पे मिल जाते हैं और ये देखो इसके आपके सही से कैरेक्टर इसके अंदर बनाए हुए हैं, मतलब एकदम सभी के सभी गाइस हट्टे कट्टे इसके अंदर हमें देखने को लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो पहला कैरेक्टर हमें मिला है जिसका नाम कुछ मिल्टर के कुछ है तो ये हम ले लेते हैं जल्दी से और इसी के साथ अभी हम पहला मैच स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर FPS भी शो कर रहा है और MS भी शो कर रहा है, मतलब पिंग भी शो कर रहा है, इधर ऐप भी चल रहे थोड़े थोड़े। तो इतने सारा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हमें गाइस इसके अंदर। तो यहाँ पे हम जल्दी से अभी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफिक सेटिंग हम यहाँ पे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम FPS भी लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे इसका स्क्रीन स्केल भी है जो कि मैं सब कुछ बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी सब हाई पर ट्राई करने वाले हम और यहाँ पे शो FPS ये भी सब कुछ जो भी हम यहाँ पे हाई कर सकते हैं सब कुछ मैंने हाई कर दिया है क्योंकि मेरा तो 3 GB रैम वाला डिवाइस है, जो लो डिवाइस है वो भी हाई करके चला सकते हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि साइज़ बहुत ही कम है इस गेम की। तो अभी हम क्या करते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया गया हमारे सोलो इस पर स्टार्ट क्योंकि हम इसके अंदर सोलो ही खेल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो लोड हो रहा है हमारी स्क्रीन और अभी शायद जो हमारी वेटिंग लॉबी है वो आने वाली है अब बंदों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें इंस्ट्रक्शन दे दे रहा है जिससे कि हम कैसे कैसे कंट्रोल जो है वो हम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आ गए गाइस हम वेटिंग लॉबी के अंदर और यहाँ पे गाइस हमें ये क्या चीज़ें नीचे मिल रही है, शायद देखो कुछ गन वन की चीज़ें जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं और वेटिंग लॉबी में खेल सकते हैं। और ये देखो ये बंदा देखो यार मेरे पीछे से आके सब कुछ लूट के ले जा रहा है, मतलब इसके अंदर गाइस जो हमें रियल बंदे होते हैं गाइस वो भी देखने को मिल जाते हैं। बोट तो कोई दिख रही नहीं गाइस मुझे, सबके सब रियल बंदे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे गन मिल गई और यहाँ पे मैं मार भी सकता हूँ, मतलब यहाँ पे पूरे बड़ा सा हम बंदों पे निकाल सकते हैं तो एकदम ही सही बात है ये। और ये देखो एक के पीछे एक क्या दौड़ रहे हैं बंदे, मतलब एकदम ही रियल बंदे मुझे तो लग रहे हैं। तो आपको बताना कैसे बंदे लग रही है। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ उठा गिठा रहे थे तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल बंदे हो सकते हैं। तो अभी हम तो अंदर मैच में जाने के बाद ही पता चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये आ गया हमारा प्लेन। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ हमें प्लेन मिल जाता है जो कि थोड़ा आर्मी टाइप प्लेन है और एक तरफ से कैसे फूटा भी हुआ है जिससे में से आग भी लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गाइज हमारा मैप जो कि आप छोटा सा मैप देख सकते हैं, कुछ बड़ी बड़ी सी थोड़ी सी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े से घर है जो कि पूरे पूरे हमारे जो पबजी मोबाइल के अंदर घर होते हैं गाइज वैसे ही है। तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं गाइज इस वाली जगह जो कि थोड़ी थोड़ी मुझे पोचिंग वाली जैसी लग रही है। तो अभी उस वाली जगह हम जाने वाले हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे घर अपने को देखने को मिल जाते हैं जो कि एक लाइन से है तो एकदम ही सही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेन और बादल क्या सही लग रहे हैं हमारे मैप के अंदर, तो एकदम ही सही मैप था यार ये और साइज़ के हिसाब से तो ग्राफिक ठीक ठाक ही लग रहे हैं मुझे। तो आप बताना यार कुछ आपको कैसे ग्राफिक लग रहे हैं। तो ओके तो यहाँ पे हमारा जो पैराशूट है वो फाइनल खुल चुका है और आप देख सकते हैं ये है गाइज हमारा पूरा पूरा पैराशूट और पीछे देख सकते हैं अभी एक और बंदा उतर रहा है और सामने गाइज यहाँ पे एक और बंदा उतर रहा है, मतलब एकदम रियल बंदे हैं यहाँ पे। बोट वोट नहीं मिल जाते हमें, रियल बंदे मिलते हैं, मतलब बंदे थोड़े थोड़े खेलते होंगे गाइज गेम को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नीचे उतर गया और ये ग्राफिक देखो यार क्या सही है, मतलब 100 MB के हिसाब से यार ग्राफिक तो सही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मूवमेंट थोड़ा थोड़ा अलग लगेगा आपको जब भी आप पहले खेलेंगे, तो इतना उतना तो गाइज अब चलाना पड़ेगा क्योंकि 100 MB में क्या ही लूँगे अब आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ उतर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रेनेड मिल गया, हेलमेट सब कुछ मिल गया है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक विक्टर भी मिल गया जिसके एमओ भी यहाँ पे पड़े हैं और यहाँ पे UMP 9 भी है, तो हम शायद UMP 9 ले लेंगे ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कोई बंदे मैच छोड़ के भी जा रहे हैं और यहाँ पे आप मेरा MS भी हाई है गाइज़ 100 MS चाहिए था, मतलब पिंग तो वो तो गाइज़ 200-300 के आसपास जा रहा है और FPS भी थोड़े 30 FPS मतलब मिल जाते हैं आराम से हमें, 36 मतलब 40 FPS के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं निकल गया और भी गन वन लेके सब कुछ लूट कर अभी यहाँ से ग्राफिक दिखा कितने सही लग रहे हैं और फाइनल गाइज में आ जाते हो। इधर मैंने सोचा चलो वो कार चलाते हैं तो यहाँ पे गए तो एकदम ही गलत सीन होने वाला है तो जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ऐसा व्यू ले रहा था, मैंने सोचा चलो यहाँ से एकदम सही लग रहा है तो अलग अलग इससे व्यू लेके देखेंगे। और जैसे गए मैं देखता हूँ तो इधर से गए आ जाता है एक रियल बंदा जो कि मुझे निपटा के चला जाता है। तो अभी क्या ही सोचा यार, मुझे लगा एकदम ही
पहले पहले ऐसे बंदे आएंगे, पर इसके अंदर तो गाइस एकदम ही प्रो वाले बंदे आ जाते हैं और मेरा ध्यान ही नहीं था। तो फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, फिर से हमारी मैच स्टार्ट कर देता हूँ और आपने तो देखा होगा गाइस एकदम पूरा चेंज हो गया है, या फिर पूरा पूरा गाइस जो मैप था पहले हरा भरा था और फिर एकदम सूखा पड़ गया है यहाँ पे, मतलब एकदम ही अलग अलग मैप्स इसके अंदर आते ही शायद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेड़ भी एकदम जो है वो सूख गए हैं, मतलब एकदम सूखा फूखा दिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हैं जो जो यहाँ का जो क्या बोल सकते हैं इसको वेदर है वो भी चेंज हो गया है, तो चेंज होता रहता है शायद इसके अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ जल्दी से लूटता हूँ और अब फिर से कैसे हम ट्राई करेंगे और लेवल वन पे आने की कोशिश करेंगे, मतलब #1 और ट्राई करेंगे जीतने की। तो यहाँ पे तो गैस मुझे हमेशा रियल बंदे मिले, बहुत एक दो मैच खेले मैंने और उसके अंदर गैस मैं ख़त्म ही हो जा रहा हूँ। मतलब वो बंदे किधर से आ जाते हैं मुझे फुस्टे फुस्टे कुछ नहीं आती और मैं जल्दी से उसके अंदर गैस हो जाता हूँ ख़त्म। तो मैं क्या अभी फिर से जाके ट्राई करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मिल गया गैस एक और गन, जो कि है शायद क्या नाम था इस गन का मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो ये गन मुझे मिल गई है, तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकेट वेडिकेट फर्स्ट एड किट सब कुछ हमें मिल चुकी है। तो हम क्या करते हैं गाइस अब जल्दी से इस घर को लूटते हैं और फिर निकलते हैं बंदे मारने के लिए। और गाइस मुझे एक बार इसके अंदर कार भी चला के देखनी है, मतलब कार किस तरह की चलती है इसका गेम के अंदर, क्योंकि मैं कार चलाने ही वाला था पर तब पिछले मैच में तो आपने देखा है क्या इंसिडेंस हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ जंप करता है या हमारा कैरेक्टर इस तरह से क्राउच होता है, इस तरह से प्रोन होता है। तो आप देख सकते हैं एकदम ही सही मूवमेंट है और आप ग्राफिक भी देखो ठीक ठाक ग्राफिक, मतलब ठीक ठाक गेम है, मतलब सही भी गेम बोल सकते हैं आप इस साइज़ के हिसाब से। तो फाइनल गेज मुझे मिल गई कार, तो अब इस कार को चला के देखते हैं और एक ही कंट्रोल हमें मिल जाता है कार चलाने के लिए, जो कि राइड राउंड वाला है जो कि हमें कैरेक्टर घुमाने के लिए मिल जाता है। तो अब इसी कार को लेकर हम जाएंगे और बंदे ढूंढेंगे यार, और कार से भी कुचल के ट्राई करेंगे गाइस बंदों को मारने की। तो फाइनली गाइस अभी मैं कार मिल चुकी है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ चलती है हमारी कार और यहाँ पे गाइस मैंने ठोक दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैंक वैंक कुछ रखा हुआ है, मतलब एकदम जो हमारा मैप उसको शो ऑफ करने के लिए एकदम ही सही सही चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर रखी हुई है। तो फाइनली गाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारे घर मिलते हैं और गाइज मैं आ जाता हूँ फाइनली यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेड़ को भी टोक दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पुचिंग की और जो पबजी के अंदर घर है उस तरह के कुछ घर मुझे लग रहा है। और यहाँ पे शायद हमारे बाजू में बंदा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुझे फायरिंग के साउंड आ रहा है, पर यहाँ पे जो मिनी मैप है उसके अंदर कोई हमें देखने को नहीं मिलता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से उजाला हो गया, मतलब ये दिन रात ऐसा चलता रहता है मुझे ऐसा लगता है। और फाइनल गाइस मुझे यहाँ पे एक बंदा मिल जाता है जिसे कि मैं मार देता हूँ, और आप देख सकते हो इस बंदे ने गाइस मेरी हेल्थ कितनी कम कर दी, मतलब एकदम ही रियल रियल बंदे इस गेम के अंदर होते हैं। और तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें इस बंदे से मिल जाती है, जो कि गाइस मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद गाइस फिर से निकलेंगे और बंदे ढूंढने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अभी उस बंदे से गाइस एनर्जी ड्रिंक भी मिल चुका है, जो कि मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से ले लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस जो हमारी कार है वो अभी फिर से ले लेंगे, और हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जोन है वो भी आ चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जल्दी से कार लेने पड़ेंगे और निकलना पड़ेगा जोन के अंदर, और जोन के अंदर निकलने के बाद और बंदों को ढूंढने को। और आप मुझे अभी कभी यार बताओ कमेंट में क्या मैं इस मैच को जीत पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सेकंड सामने दिखाई देता है बंदा। तो अभी चलो इसे कार से कुछ कर देते हैं बंदे को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पूरा जो सब कुछ है जो हिल चुका है यहाँ पे, और जो मेरी कार थी वो भी पूरी उल्टी तुलटी हो गई थी। तो एकदम ही सही है यार, मतलब कार से कुचलने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आती है इसके अंदर। तो अभी क्या करते हैं गाइस हम जल्दी से इसे लूटते हैं, और यहाँ पे मुझे और भी बंदे लग रहे हैं, तो चलो अभी जल्दी से इसे लूट लेते हैं। और लूटने के बाद आप देख सकते हैं इसे के पास से भी मुझे एकदम सही लूट मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनल गाइस मुझे एक और नई कार इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं सामने है, जो कि अलग ही कार थी तो जीप की तरह। तो अभी चलो इसे लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखती है कार, तो यहाँ मैं बैठ चुका इसके अंदर। तो अभी इसे चला के देखेंगे, और जब भी मैं चलाने लग जाता हूँ गाइस तो मुझे गाइस उधर से पड़ने लग जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं घर के अंदर होता है गंदा और वो गाइस मुझे पूरा पूरा ख़त्म कर देता है यहाँ पे। तो गाइस बस गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।